हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं L4, L5 और L5S1 में जो डिस्क हर्निएशन होता है, इस समस्या के अंदर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये डिस्क हर्निएशन होता क्या है। दोस्तों, हमारी जो लंबर स्पाइन होती है L4 L5 होती है, इसके बीच के अंदर ये जेलीनुमा डिस्क होती है। इसके बीच में जेल होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर पल्पोपस कहते हैं, और चारों तरफ कार्टिलेज की रिंग होती है। जब वजन उठाने के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण आपकी दोनों वर्टिब्रा के बीच में इस डिस्क के ऊपर प्रेशर आता है, तो ये डिस्क जो है ये बल्ज आउट कर जाती है, जिसको हम लोग हर्निएशन कहते हैं। जैसा कि आप ये रेड पार्ट देख सकते हैं कि इस डिस्क के अंदर प्रेशर पड़ने के कारण ये पार्ट बल्ज आउट होकर बाहर निकल गया है और पैरों में जाने वाली नसों के ऊपर कंप्रेशन दे रहा है। इसी समस्या को हम लोग डिस्क हर्निएशन कहते हैं, और इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें अपनी स्पाइन के ऊपर आने वाले इस ओवर प्रेशर को कम करना होता है। तो हमारी जो भी एक्सरसाइज हम लोग डिजाइन करते हैं वो पेशेंट के पहले फिजिकल एग्जामिनेशन पे डिपेंड करती है। हम पेशेंट की स्पाइन का एग्जामिनेशन करते हैं, जहां पर FRS ERS कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। इन डिफॉर्मिटीज के अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट की फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन एक्सरसाइज को प्लान करते हैं, जिससे कि डिस्क पे आने वाला प्रेशर कम हो और जो डिस्क वाला पार्ट बल्ज आउट होकर बाहर निकल गया है वो एक्सरसाइज से रिलीज होकर वापस धीरे धीरे अंदर आने लगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने नर्व के ऊपर आने वाले प्रेशर को कम करने के लिए कुछ नर्व की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आपको बताई थी। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा उसके थ्रू आप अपनी डिस्क के ऊपर आने वाले प्रेशर को कम कर सकते हैं, आपकी स्पाइन की मोबिलिटी एक्सरसाइज को करके। तो अगर आप हमारी वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज और सबसे पहली पोजीशन रहेगी जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पोजीशन के अंदर काफ़ी पेशेंटों को दर्द कम रहता है, या फिर कुछ पेशेंटों को उल्टा लेटने में अगर दर्द कम रहता है तो आपको उस पोजीशन को भी मेंटेन रखना है। उसी के साथ पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पोजीशन में रहेगी। इसमें आपको पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाना है। ऐसा करने से आपकी कोर मसल्स एक्टिवेट होती हैं, आपकी लंबर मसल्स पर भी आपको रिलीफ मिलता है इस पोजीशन में बैठे रहने से। तो इस एक्सरसाइज को आप सबसे पहले कर सकते हैं। अगर आपको पेन ज़्यादा है तो इस एक्सरसाइज को करने से आपको आराम मिलेगा। काफ़ी पेशेंटों को हमें देखने को मिलता है कि पैरों को जब वो किसी चेयर पर रखते हैं और बेड पर लेटे रहते हैं तो उनका जो डिस्क का दर्द है, नर्व का दर्द है, वो काफ़ी हद तक कम रहता है, क्योंकि इस पोजीशन से हमारी डिस्क का जो स्पेस है वो इंक्रीज होता है और डिस्क पर आने वाला दबाव कम होता है। तो आपकी जो पोजीशन के अंदर आपको सबसे अच्छा आराम मिले, उस पोजीशन में आपको एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले 10 मिनट लेटना है, और एक्सरसाइज के बाद भी आप अपनी उस पोजीशन में 10 मिनट लेटें। जिस पोजीशन में आपका दर्द कम रहता है, इसका मतलब उसी पोजीशन के अंदर आपकी डिस्क के ऊपर दबाव कम है। तो ये एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, और साथ में जो हमने एक्सरसाइज बताई है आपकी कोर एक्टिवेशन के लिए, इस एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पेन हो रहा है इस एक्सरसाइज को करने से, तो आप सिर्फ इस पोजीशन को मेंटेन भी रख सकते हैं, यानी कि पोजीशन को आप दोनों को अपनी चेयर के ऊपर रखें और कोई मूवमेंट ना करें। और आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पा रहे हैं तो फिर दोनों पैर को भी पीछे ले जा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपकी मसल स्ट्रांग होती है और धीरे धीरे आपका जो डिस्क कंप्रेशन के कारण जो पेन आपको आ रहा है डिस्क पे, वो भी कम होता है। इस एक्सरसाइज के आपको दिन में 2 बार रिपीटेशन लेने हैं। हर बार 5 से 10 रिपीटेशन आपको इसमें लेना है और दिन में 2 बार रिपीट करना है। सभी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले गर्म पानी का सेक आप कमर पे कर सकते हैं। वहीं हमारी दूसरी एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट। ये एक्सरसाइज भी हमारी L4 L5 पे जो कंप्रेशन आता है उस कंप्रेशन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आज की इस पूरी एक्सरसाइज के वीडियो के अंदर हम ज़्यादातर वो एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे जिससे कि डिस्क के ऊपर कंप्रेशन कम रहे और आपको दर्द में आराम रहे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा लेट जाना है और घुटनों को जितना पीछे तक आप ला सकते हैं उतना पीछे तक आपको लेकर आना है, और फिर 5 से 10 सेकेंड रोकना है और फिर आगे लेकर जाना है। सभी एक्सरसाइज में ध्यान रखने की बात यह है कि अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको दर्द बढ़ता है तो इसका मतलब उस पोजीशन में आपको दबाव बढ़ रहा है डिस्क के ऊपर, तो वो एक्सरसाइज ना करें। बाकी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। हर एक्सरसाइज के अंदर आपको एक्सरसाइज वाला जो हल्का पेन आता है वो हो सकता है, लेकिन पेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको दिन में 2 बार रिपीटेशन लेना है, हर बार 5 से 10 आपको रिपीट करना है। ये जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं ये आपके कंप्रेशन को रिलीज़ करती है, इससे आपकी जो पेल्विस है वो टिल्ट होता है और आपका L4, L5 और L5S1 पे जो कंप्रेशन है वो भी कम होता है।
इस पोजीशन से, इस एक्सरसाइज से पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम हमें देखने को मिलता है। वहीं हमारी अगली एक्सरसाइज है, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि स्पाइन का जो एक्सटेंशन हम लोग लेते हैं, भुजंग आसन जो हम योगा में से कहते हैं, इस आसन से हमारी जो डिस्क है वो एंटीरियर साइड से ओपन होती है और ज़्यादातर जो डिस्क बल्ज हमें देखने को मिलता है उस समस्या के अंदर एंटीरियर साइड पे प्रेशर ज़्यादा रहता है और डिस्क एंटीरियर साइड पे कंप्रेस होती है और पोस्टीरियर साइड से वो बाहर निकल जाती है। तो इस एक्सरसाइज को करने से, इस आसन को करने से आपकी एंटीरियर साइड की ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, जिससे कि डिस्क के ऊपर दबाव कम रहता है और जो डिस्क आपकी बल्ज आउट होकर बाहर की तरफ निकली हुई है वो भी वापस अपनी पोजीशन पर आती है। इस एक्सरसाइज में ध्यान आपको ये देना है कि स्टार्टिंग स्टेज के अंदर आपको एल्बो तक जाना है ऊपर और उसके बाद में फिर आप अपने हाथ को सीधा करके और ऊपर तक भी जा सकते हैं। ध्यान रखना है पेन आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एक्सरसाइज में, तो आपको पेन के अकॉर्डिंगली अपनी एक्सरसाइज को चेंज या फिर मॉडिफाई करना है। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में दो बार रिपीट कर सकते हैं, 10 से 15 आप रिपीटेशन लें और उन सभी एक्सरसाइज को करने से पहले गर्म पानी का सेक ज़रूर करें कमर के ऊपर। दोस्तों, डिस्क किस तरह से स्लिप हुई है, किस एरिया से बाहर निकली है, लेटरल साइड में शिफ्टेड है, सेंट्रल साइड में शिफ्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारी एक्सरसाइज डिज़ाइन होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट से चेकअप कराने के बाद में आप ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज आपको एडवाइस कर पाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज को करने से अगर पेन आपको होता है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से एक बार एग्जामिनेशन करवाएं और उसके बाद में फिर आप ये एक्सरसाइजेस कर लें, जिससे कि आपको दर्द भी ना बढ़े और साथ में आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिले। बाकी ये सभी बेसिक एक्सरसाइज हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं हमारी अगली एक्सरसाइज है हमारी लंबर आर्चेस के लिए। इसमें आपको सिटिंग पोजीशन के अंदर जाना है और अपनी कमर को पूरा अंदर की तरफ लेकर जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर वापस इसे बाहर की तरफ लेकर आना है। ये एक्सरसाइज वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है और साथ में हम अपने लंबर पोस्चर को मोबिलाइज भी कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके डिस्क का मोबिलाइजेशन होता है, आपकी वर्टिब्रा का मोबिलाइजेशन होता है, जिससे स्टिफनेस के कारण जो डिस्क के ऊपर प्रेशर होता है, लिगामेंट की टाइटनेस से जो प्रेशर होता है आपके डिस्क के ऊपर वो कम होता है और दर्द में आराम देखने को मिलता है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप पेट को आगे लेके जा रहे हैं, यानी कि लोरोटिक कर्व में अगर जा रहे हैं और आपका पेन कम रहता है ऐसा करने से, तो आपको इस पोजीशन को कम से कम 15 सेकंड होल्ड करना है। अगर आप पीछे की तरफ आते हैं और आपको दर्द बढ़ता है तो फिर आपको पीछे की तरफ होल्ड नहीं करना। तो दोनों एक्सरसाइज को करते हुए, यानी कि कमर को अंदर और बाहर करते हुए, आपको ध्यान रखना है कि किस मोमेंट पोजीशन में आपका पेन कम रहता है और उस पोजीशन को आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है और दूसरी पोजीशन में होल्ड नहीं करना। दोस्तों, हमारी अगली एक्सरसाइज है पेल्विस रोटेशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको दोनों घुटनों को मोड़ लेना है और उसके बाद में दाएं से बाएं अपनी कमर को, अपने पैरों को रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपकी कमर का हिस्सा रोटेट होगा, इससे आपकी जो डिस्क बल्ज की समस्या है वो हिस्सा भी ओपन होता है साइड से और पेशेंट को आराम काफ़ी मिलता है इस एक्सरसाइज को करने से। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ध्यान देना है कि आपका कमर का हिस्सा रोटेट होना चाहिए आपके, इसके साथ में अपर बैक स्पाइन, यानी कि आपके धड़ का जो हिस्सा है, आपका चेस्ट का जो एरिया है, अपर बैक स्पाइन है, वो रोटेट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए कि पूरी स्पाइन को रोटेट करते हैं, जिससे लंबर में रोटेशन नहीं आ पाता प्रॉपर तरीके से और जहाँ डिस्क बल्ज है, जहाँ पर डिस्क या नर्व पे कंप्रेशन है, उस हिस्से पे दबाव बना रहता है और वहाँ पे वो रोटेशन नहीं मिलता। तो आपको वहाँ तक ही रोटेट करना है जहाँ पर आप अपनी कमर पे रोटेशन फील कर सकें। ये सभी एक्सरसाइज जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक्सरसाइज हैं L4, L5 और L5S1 में डिस्क बल्ज की समस्या के कारण। तो सभी एक्सरसाइज में हमने ध्यान रखा है कि डिस्क के ऊपर से प्रेशर हटना चाहिए, डिस्क का जो स्पेस है वो बढ़ना चाहिए। नर्व कंप्रेशन के लिए हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उस अगर आपको नर्व पेन की समस्या रहती है डिस्क के कारण, तो आप वो एक्सरसाइज भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको दोनों ही समस्याओं में काफ़ी अच्छा आराम मिले। इन सभी एक्सरसाइज को आपको दिन में दो बार रिपीट करना है, हर बार 5 से 10 रिपीटेशन लें एक्सरसाइज को करते हुए और ग्रेजुअली इसे इंक्रीज करते जाएं। दोस्तों, हमारी ये आखिरी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जो कि हम डिस्क के और बैक पेन के काफ़ी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो मेन महत्व है वो ये है कि आपकी लोअर बैक मसल्स की वीकनेस के कारण भी आपको चलने पर, बैठने पर दर्द रहता है। तो इस ब्रिजिंग एक्सरसाइज को करके आप अपने ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हम काफ़ी बार सजेस्ट करते हैं लोअर बैक और शियाटिका के केसेस के अंदर भी।
तो ये आज के इस वीडियो में हमने जो भी एक्सरसाइज आपको बताई है वो सभी एक्सरसाइज आपके डिस्क की कंप्रेशन को कम करती है, जिससे कि आपको दर्द में आराम रहे। अगर आपको नर्व पेन भी रहता है तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो है, उन एक्सरसाइज को भी आप इन एक्सरसाइज के साथ में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा इफेक्ट देखने को मिले। ध्यान रखें, अपनी डिस्क का, अपनी बॉडी का एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन से हमें पता लगता है कि डिस्क किस तरफ से बाहर निकली हुई है और पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा बेटर है। बाकी ये सभी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें आप रेगुलर बेसिस पे घर पे रहकर कर सकते हैं, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज को करते हैं और आपको पेन बढ़ता है तो स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज को बंद कर दें और उसके बाद में बाकी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा हमारे इस वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।